गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास सिक्स. क्लास सिक्स का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हम आपको बताने जा रहे हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हम फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी को समझेंगे. चैप्टर वन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? अब अपने क्लास में चारों तरफ देखिए, क्या आपको कोई दिखाई देता है जो आपको जैसा हो? ओके. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. अब इस चैप्टर में आप देखेंगे कि लोग जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है. कई तरीकों से एक दूसरे से अलग होते हैं. नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, रीजन, कल्चर, बैकग्राउंड्स, ठीक है. वो नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, वो केवल डिफरेंट दिखाई नहीं देते हैं, आपसे अलग उनका अलग फेस ही नहीं होता है. उनके धर्म अलग होते हैं, उनकी संस्कृति कल्चर अलग होता है, उनका रिलीजन, उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है. दिस डिफरेंस एनरिच अवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन, ठीक है. दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये हमारे लाइफ को एनरिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, एंड कई तरीकों से समृद्ध बनाते हैं और काफ़ी फन, मजेदार बनाते हैं. ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू द ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया टू इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स. ये डिफरेंट अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं एंड बिलोंग टू द अदर काइंड ऑफ रिलीजन, मतलब दूसरे दूसरे कल्चर से, धर्मों से जुड़े होते हैं, ये भारत को, हमारे भारत को काफ़ी डाइवर्स, विविध और काफ़ी रुचिकर बनाते हैं. व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? हमारे जीवन में डाइवर्सिटी का क्या महत्व है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? हमारा भारत ऐसा क्यों है? आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट अ पार्ट ऑफ अ डाइवर्सिटी, ठीक है. क्या जो ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट, ये जो अलग है, डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी के पार्ट हैं? कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का हिस्सा हो सकता है? रीड दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे, इसी को अध्ययन करेंगे और इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है. Three children around your age have drawn the figure above. ऊपर के आप three figures आप देख रहे हैं, इसमें आपके ही एज के बच्चों ने ये figures बनाया है. Use the empty box to draw your human figure. आप स्वयं एक figure बनाइए इस empty box में, जो साइड में आपके empty box है, यहाँ पर एक आप figure बनाइए, ठीक है. Is your drawing similar to any of the others? आप देखिए कि आपका जो फिगर है, क्या इन तीनों से के समान है या अलग है? The chances are that your drawing is a quite different from the other three. ठीक है, चांसेस संभवतः ये होगा कि आपका जो मोर चांसेस ये होंगे कि आपका जो फिगर होगा ये इससे, इन तीनों फिगर से काफ़ी अलग होगा. Which you can see are quite different from each other. ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही, इन तीनों फिगर से बहुत ही अलग होगा. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईच वन ऑफ अस हैव अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. हम सभी का एक ड्राइंग स्टाइल, हम सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है. वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, आवर कल्चर, बैकग्राउंड्स, द रिलीजन्स, रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है.
हम जो हमारा जो वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, हम एक दूसरे से अलग एग्जैक्टली दिखाई नहीं देते हैं. मतलब हमारा जो फेस होता है, हमारा जो पर्सनालिटी होती है, हमारा एग्जैक्टली नहीं होती है. ठीक है, हम हमारे पास सेम मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं सेम है, लेकिन हम एग्जैक्टली हमारा जो पर्सनालिटी या फेस होता है वो सेम नहीं होता, हमारा अलग अलग होता है. बट ऑल्सो डिफर, और हम टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, हम हमारा लैंग्वेज भी डिफरेंट होता है, बोलने का लैंग्वेज. ठीक है, एंड आवर कल्चर बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड जो होता है, द रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं, हमारे धार्मिक तौर तरीके जो हमारे हम अपनाते हैं अपने जीवन में, वो अलग होते हैं. और हमारे ऑब्जर्व, हमारे सोचने देखने का तरीका भी अलग होता है. ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है, हमारा ड्राइंग, हमारा सोच विचार, ये सब चीज़ें सोचने का अलग होता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो ये है डाइवर्सिटी, मतलब धीरे धीरे हम डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं. डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, एक दूसरे से डिफरेंस होना. तो हम कई तरीक़ों से देख सकते हैं कि हम अपने क्लासरूम्स में अगर देख सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स से ही, अपने फैमिली में ही हम सिमिलर रहेंगे, तो एक नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं. तो हम फैमिली में ही क्या होगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी. किसी हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स या हमारे हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके पहनने का तरीका, ठीक है, उनके सोचने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनकी जो फूड है जो वो लाइक करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के डिफरेंसेस, ये इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है. ठीक है, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर, इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली. ठीक है, यहाँ पे दिया है फिल आउट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है क्लास में, मतलब क्लास में करना है. जैसे वेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जब हम बाहर जाते हैं तो क्या हम लाइक करते हैं, तो आप क्लास में फिलअप करेंगे तो सारे बच्चे एक जैसे फिलअप नहीं करेंगे, सबकी पसंद अलग अलग होगी. एट होम आई स्पीक इन, घर पे हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो वो घर पे भी क्या होगा, आई लैंग्वेज कुछ लोग अलग अलग बोलते होंगे. माई फेवरेट स्पोर्ट इज, हमारा फेवरेट स्पोर्ट सबका एक नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होगा. आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, ठीक है, हम कौन सी बुक्स रीडिंग करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं, तो ये भी सबकी जो लाइक होगी वो डिफरेंसेस होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी. ठीक है, नाउ आस्क यू टीचर टू हेल्प यू चेक, अब अपने टीचर से बोलिए चेक करने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर, कितने लोगों ने आपके सिमिलर आंसर दिया. सिमिलर हो सकता है दो चार स्टूडेंट्स आपके सिमिलर लाइक करते हो. ठीक है, इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या आपके जो आपकी कॉलम है, आपने जो फिलअप किया है, क्या किसी स्टूडेंट्स ने उसको फिलअप किया है, एग्जैक्टली फिलअप किया है, प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं, बट मेनी ऑफ यू मे हैव अ सिमिलर आंसर. ठीक है, मेनी प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू आप में से कईयों का मे हैव अ सिमिलर आंसर. सिमिलर आंसर हो सकता है, आपका ना हो लेकिन हो सकता है कईयों का, क्लास में आप में से कईयों का हो सकता है. ठीक है, हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. ठीक है, कुछ लोग सेम काइंड ऑफ बुक्स लाइक करते होंगे. ठीक है, आपको ये देखना है कि कितने लोगों ने सेम लाइक्स बुक लाइक किए हैं. ठीक है, सेम बुक्स रीडिंग पसंद करते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपको ये भी आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कितने लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं, और कितने लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं ये भी आप देख सकते हैं. कुछ चीज़ें मतलब इंटरेस्टिंग, कुछ चीज़ें इंटरेस्ट जो होगा सेम होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा ये क्या है, आगे चलते हैं. बाय नाउ यू मस्ट हैव अ रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्विट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम. कुछ चीज़ों में आप हो सकता है कि आप सेम हो
आपकी पसंद एक जैसी हो और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपकी पसंद अलग अलग हो। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। ठीक है, आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स? क्या आप जानते हैं कि आपको दोस्त बनाना काफ़ी आसान होता है? ठीक है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इट वुड बी ईजी, दोस्त बनाना काफ़ी आसान होगा विद अ समवन, उसके साथ जो आपसे बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। आप पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। मतलब ऐसे व्यक्ति को आपको दोस्त बनाना क्या आपको आसान होगा जो आपसे बिल्कुल ही अलग है? ठीक है, तो देखते हैं। आई हैड अ मिंट, इट इज एज अ जोक, अ जोक मेड अप ऑफ ए स्मॉल ड्रग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। आई हैड अ मिंट इट एज अ जोक। ठीक है, एक ये एक जोक था, ये जोक एक छोटे से रैग्ड बॉय, मतलब एक गरीब लड़के के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो चौराहे पर न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है, एवरी टाइम आई साइकिल्ड, मैं हमेशा साइकिल चलाता था, पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। ठीक है, और वो मेरे पीछे पीछे चलाते हुए आता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, वो इंग्लिश पेपर हाथों में पकड़े हुए एंड स्क्रीमिंग और चिल्लाते हुए, द इवनिंग हेडिंग्स, शाम की जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है उसको बोलते हुए। ठीक है, मिक्सिंग लैंग्वेज में, कुछ उसकी भाषाएं होती थी हिंदी में एंड कुछ इंग्लिश में। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय इंग्लिश वर्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड हर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। ठीक है, मैं रुका। ठीक है, मैंने रुका और मैंने उससे हिंदी के लिए, पेपर के लिए बोला। ठीक है, यू मीन यू नो हिंदी, तभी उसने बोला कि यू मीन यू नो हिंदी, मतलब अच्छा, इसका मतलब तुम हिंदी जानते हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड, मैंने उसे कहा हाँ जरूर। आई पेड फॉर द पेपर, मैंने पेपर के लिए उसे पैसे दिए। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों तुम ऐसा क्यों सोचते, तुमने ऐसा क्यों सोचा? ही पॉज्ड, वह रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, वह रुका और बोला कि लेकिन तुम तो बहुत, मतलब तुम तो अंग्रेज लग रहे हो। ठीक है, लगते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। ठीक है, यू कैन, मतलब तुम अंग्रेज हो, और यू मीन तुम्हारा मतलब कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। उस लड़के ने बोला कि तुम अंग्रेज दिखते हो और तुम हिंदी बोल सकते हो, और मतलब तुम्हारा मतलब कि तुम हिंदी भी वो पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ हाँ कर सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंसली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंसली, मैंने इम्पेशेंसली मतलब काफ़ी इम्पेशेंसली मतलब अधैर्य पूर्वक मैंने उससे कहा, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट, मैं हिंदी को पढ़ और लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल का सब्जेक्ट है, मैंने स्कूल में पढ़ा है। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। ठीक है, मैं कैसे किसी को बता सकता हूँ, कैसे, ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट। हाउ कुड आई एक्सप्लेन, मैं उसको सब्जेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो कभी स्कूल गया ही न हो। वेल, अच्छा, इट इज़ समथिंग, आई बिगैन, मैंने कहा ये कुछ है, आई बिगैन, बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, आई बिगैन, मैंने जैसे ही लाइट ऑन हुई, लाइट बदली, मैंने साइकिल शुरू कर दिया। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100 ऑफ, मेरे पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई थी। एंड लेट माई सेल्फ बी पास्ड अलॉन्ग, मैंने अपने आप को बगल कर लिया और कई सारे गाड़ियाँ निकल गई। द नेक्स्ट डे
मैं कई गाड़ियों के साथ निकल गया द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. भैया ही सेड आपका अखबार. नेक्स्ट डे अगले दिन वो मैं मुझसे फिर मिला एंड मुस्कुराते हुए होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर पकड़े हुए उसने बोला भैया यह आपका अखबार. अब भैया बैठिए बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. ठीक है, उसने पूछा कि ये भैया आप बताइए कि यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. ठीक है, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ठीक है, ही द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज. इंग्लिश वर्ड उसके लिए स्ट्रेंज था ऑन हिज टंग. ठीक है, उसके लिए स्ट्रेंज था. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग. उस एक अलग अदर मीनिंग की तरह उसने बोला. ठीक है, जैसे एक किसी दूसरे किसी अनजान व्यक्ति ने बोला. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पैरा बताएंगे. ओ इट्स जस्ट समथिंग टू बी स्टडी. ओके, फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ से हम आपको